हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं मेथी मसाला बाटी, बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी बनकर हमारी बाटी रेडी हो गई है, जिसे हमने कढ़ाई में बनाया है बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से। आप भी ये रेसिपी एक बार ज़रूर देखिए। ये देखिए कितनी सॉफ्ट बाटी बनी है हमारी, दाल के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स ये। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए मेथी। 100 ग्राम मेथी हमने ले ली है, इसे हमने साफ़ कर लिया है। इसे हम अच्छे से 3 पानी से धो लेंगे और फिर इसे हम बारीक काट लेंगे। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पर हमने गेहूं का आटा ले लिया है, जिससे हम रोटी बनाते हैं। ये हमने 3 कप आटा ले लिया है। बेसन ले लिया है हमने आधा कप, और सूजी ले ली है हमने रवा आधा कप। दोनों को हम सेम क्वांटिटी में ले लेंगे। इसे भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब हम यहाँ सॉल्ट ऐड कर देंगे 1 खाने का चम्मच, ये टेस्ट अकॉर्डिंग, और इसे भी हम मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे अजवाइन 1 टीस्पून। इसे हम इस तरह से क्रश कर कर ऐड करेंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है फ्रेंड्स, आप इसे स्किप ना करें। अब हम यहाँ मेल्ट कर कर घी ले लेते हैं और इससे हम मोयन लगा लेते हैं आटे को। ये देखिए इस तरह हम हल्के हाथों से इसे मिक्स करेंगे। इससे बहुत ही सॉफ्ट बाटी बनती है हमारी। ये देखिए हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से। ये देखिए इस तरह से, ये इस तरह से बनना चाहिए। यहाँ पर हमने ले लिया है अखा धनिया, इसे हमने दरदरा सा कूट लिया है 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर और गरम मसाला, और भुना हुआ जीरा ले लिया है 1 टीस्पून, और 1/4 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर ले लिया है। इसे हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। अब हम इसमें मीठा सोडा ऐड कर रहे हैं 1/2 टीस्पून, इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें दही ऐड कर रहे हैं 3 टेबल स्पून, इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। अब हम ये 100 ग्राम मेथी ले ली है हमने, इसे हमने धोकर और काट कर ले ली है। इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। ये देखिए अब हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसे गूंद लेते हैं। एक साथ ज़्यादा पानी ऐड ना करें, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम गूंदेंगे। जिस तरह हम चपाती के लिए आटा गूंथते हैं, उस तरह नहीं गूंथना है हमें, ये आटा बिल्कुल अलग गूंथा जाता है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है, ज़्यादा पानी बिल्कुल ना ऐड करें, नहीं तो ये नरम आटा बन जाएगा चपाती की तरह। इसे हमें थोड़ा कड़क ही गूंथना है, इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने आटा इस तरह से गूंथ लिया है। अब हम ये देखिए किस तरह से हमने आटा ये गूंदा है, ना ज़्यादा नरम है ना ज़्यादा कड़क है। अब हम इसमें ऑयल ऊपर से इसमें इस तरह से ऐड कर देंगे, ऊपर से लगा देंगे हम ऑयल को। इस तरह से हम इसे गूंद लेते हैं। ये हमारा आटा रेडी है फ्रेंड्स, इसे हम रख देते हैं 10 मिनट के लिए। 2 कप पानी इसमें ऐड हुआ है पूरा, थोड़ा थोड़ा करके रही हम ऐड करेंगे इसमें पानी। 10 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए आटा बिल्कुल रेडी है। ये देखिए इस तरह का होना चाहिए आटा। अब हम इससे बाटी बना लेते हैं। इस तरह से हम ऑयल या घी लगा लेंगे हाथों पे और इस तरह से हम बाटी बना लेंगे, और इस तरह से बीच में हम अंगूठे का इस तरह से निशान बना लेंगे। ये देखिए दूसरी बाटी भी हम इस तरह से बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से ये हम कर देंगे अंगूठे से। इसी तरह हम सभी बाटी को बना लेते हैं और कढ़ाई को हम गैस पर रख देते हैं गरम करने के लिए। ये देखिए हमने बाटी बना ली है, ये कढ़ाई भी हमारी गरम हो चुकी है। अब हम इसमें बाटी रख देंगे इस तरह से, ना इसमें ऑयल ना घी लगाना है, बस इसी तरह से हम रख देंगे मीडियम फ्लेम करके।
2 से 3 मिनट के लिए ढक कर रखेंगे हम। इसके बाद हम इसे चेक कर लेंगे। ये देखिए, अब हम इसे पलट कर देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो चुकी है। इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाती है। अब हम दूसरी साइड से भी इसे 2 से 3 मिनट ढक कर रख देते हैं। कढ़ाई में ये बहुत ही जल्दी बन जाती है फ्रेंड्स। अब हम दूसरी साइड से भी इसे चेक कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट में ये रेडी है। मीडियम फ्लेम पे हमने इसे बनाया है। ये देखिए, और बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स। और ये बहुत ही अच्छी बनी थी फ्रेंड्स। अंदर से भी ये बिल्कुल कच्ची नहीं थी, बहुत ही अच्छी थी, सॉफ्ट थी। ये दूसरे दिन भी बहुत ही सॉफ्ट थी। दाल के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। और मेथी की वजह से ये इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ गया था। और इसे में हम घी बहुत ज़्यादा ऐड करते हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। घी से ही इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप भी इसे इसी तरह से खाएं और इंजॉय करें। डाइट तो चलता रहेगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर बताएं। मेथी मसाला दाल बाटी एक बार आप ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।